हेलो फ्रेंड्स, हम हैं द टू फाउंडर्स और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और वहाँ से हम जाएंगे मसूरी के हाईएस्ट पीक पॉइंट जो कि है जॉर्ज एवरेस्ट पीक पॉइंट। तो मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट बेस और पीक पॉइंट जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पे कैसे जाना है हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट ये एक्चुअली थे कौन, और ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले इस वीडियो में। तो आगे देखते रहिए, देखते चलिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो जॉर्ज एवरेस्ट बेस है वो मसूरी से 5 या 6 किलोमीटर दूर है और आपको लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे उस जगह तक पहुंचने के लिए। मसूरी के इतना पास होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना खूबसूरत है। आप ये मान लीजिए कि ये वन ऑफ द हिडन जेम्स है मसूरी का। तो हम निकल पड़े हैं मसूरी के लाइब्रेरी चौक से हाथी पांव के लिए जहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट है। और रोड्स जैसा आप देख सकते हैं बहुत पतली और स्टीप हैं, चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मसूरी और उत्तराखंड में एक चीज़ जो आपको अलग लगेगी हिमाचल प्रदेश से कि यहाँ पे रोड्स बहुत ही पतली स्टीप और ड्राइव करने में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है यहाँ पे। तो जैसे अभी ये इस रास्ते पे भी हम जहाँ पे जा रहे हैं मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट के लिए, तो वहाँ पे भी सोचिए हम क्विट से जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें कई मोड़ ऐसे हैं कि हमें वापस रिवर्स लेके मोड़ना पड़ रहा है। तो मतलब इतनी कम जगह है मोड़ने की, तो कार लायक बने नहीं है वो जितने भी रोड्स हैं ये, तो सब टू व्हीलर्स और पैदल चलने लायक ही बने हुए हैं। तो ये इस जगह का नाम, एक्चुअली ये जगह जो है हाथी पाँव एरिया में आती है, जो देसी नाम जो उस उत्तराखंड में उस पहाड़ी का है, लेकिन इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट एक सर्वेयर थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे ब्रिटिश एरा में, तो उन्होंने ये एक पहाड़ी पे एक ज़मीन खरीदी थी अपनी जहाँ पे उन्होंने अपना घर और लेबोरेटरी बना रखा था। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया था। तो जो माउंट एवरेस्ट है आप उससे शायद रिलेट कर रहे होंगे, तो उससे इसका लिंक है। हालांकि जब हम गए थे तो हमें कई लोग ऐसे कह रहे थे कि कोई लिंक नहीं है, बट हमने पढ़ा जब उत्तराखंड की वेबसाइट पे, टूरिज्म वेबसाइट पे, तो वहाँ पे हमने पाया कि ये वही एवरेस्ट हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट है। तो हुआ एक्चुअली ये था कि जो क्योंकि सर्वेयर जनरल थे इंडिया के उस टाइम ब्रिटिश एरा में, तो इनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे, तो जो इनके शागिर्द कहते हैं जिसे आप देसी भाषा में, तो वो थे जो वो माउंट एवरेस्ट जो था उस पे, उस माउंटेन पे चढ़ने वाले पहले माउंटेनियर्स थे। तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट पे, तो जब वो चढ़े थे उन्होंने वो पीक, जब उस पे पहुंच गए तो उन्होंने सर जॉर्ज एवरेस्ट की याद में उसको, उस माउंटेन को माउंट एवरेस्ट नाम दिया था। तो ये लिंक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट बेस जो है वो पहले आया है, माउंट एवरेस्ट नाम बाद में पड़ा है। तो ये एक फन फैक्ट है इस जगह के बारे में, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं तो इसलिए आपको एक पहले से पता होगा तो और अच्छा लगता है, इसलिए ये बताया आपको। तो जॉर्ज एवरेस्ट के फन फैक्ट आपको बताने के साथ साथ हम पहुँच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के बेस पर और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम एंट्री फीस लेने वाले हैं जो कि एडल्ट की 100 रुपये है और बच्चों की 50 रुपीज़ है। तो आप जितने लोग हों आप अपने हिसाब से अपनी काउंटिंग कर सकते हैं और टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपके पास चिल्ड्रन हैं तो उनकी जो टिकट होगी वो हाफ टिकट लगती है। तो जॉर्ज एवरेस्ट बेस की पार्किंग वाले एरिया में जब आप पहुँचेंगे तो खूबसूरत नज़ारे तो आपको वहाँ से ही दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं तीनों तरफ बहुत ही सुंदर। और उसके आगे से जहाँ से वो ट्रेल शुरू हो रहा है ट्रेकिंग का जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक जाता है, बहुत ही खूबसूरत रहेगा आपको नज़ारा दोनों तरफ। हमने तो वैसे गाड़ी जो अपनी है वो जॉर्ज एवरेस्ट बेस पे ही खड़ी कर दी थी वहाँ की जो पार्किंग थी, क्योंकि इसके ऊपर का रास्ता हमें लगा हम ड्राइव करके क्या फ़ायदा जाके जब अपना ट्रैकिंग करने में इतना मज़ा है। तो क्योंकि जो
ट्रेल है वो ट्रैकिंग ट्रेल ही है जो स्टीप सी है यहाँ इसके आगे, तो आप अगर ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे से चारों तरफ नज़ारे लेते हुए जा सकते हैं। तो हमने भी यही सोच के गाड़ी पार्क कर दी बेस पे और हम उसके आगे ट्रैक करते हुए पैदल ऊपर गए। वैसे अगर आप इसके आगे भी पैदल चल के नहीं जाना चाहते हैं या नहीं चल सकते हैं, आपके कुछ ऐसी दिक्कत है, तो इसके आगे सफारी यहीं से मिलती है जो एक ऑल टेरेन व्हीकल टाइप की है, यहाँ से चलती है वो, 200 रुपये पर हेड लेती है, आपको बेस से लेके जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक पहुँचा देगी जो, तो ये ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। वैसे ले जाने को आप यहाँ से अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं जॉर्ज एवरेस्ट बेस से लेके जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक, बट उसके लिए 1000 रुपीज़ पार्किंग जैसा भी बताया पीछे वो आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको पर हेड भी टिकट लेना पड़ेगा। तो ये सब तब से हो गया है, सितंबर 2023 से जब से इसको प्राइवेटाइज़ किया गया है, तो एक ये भी पॉइंट लगता नहीं है कि एक तो खुद ड्राइव करके जा रहा है बंदा, उसके बाद भी 1000 रुपये और दे रहे हैं, तो और फिर वो ऑलरेडी ट्रैक वाला ही है ट्रेल, तो उस पर गाड़ी चला के ले जाने में क्या ही मज़ा है। तो इसलिए और हम इसको गाड़ी नीचे ही खड़ी करके ऊपर आराम से चलते हुए टहलते हुए बातें करते हुए ट्रैक करते हुए गए, और खूबसूरत नज़ारे हैं एकदम से। आप गाड़ी से चढ़ के चले जाओगे तो गाड़ी पे ही ध्यान रहेगा जो ड्राइव कर रहा होगा उसका, तो वो तो आप मज़े ले ही नहीं पाओगे फिर। तो अच्छा है कि आप पैदल जाओ तो मज़ा आएगा बातें करते हुए, और यही तो असली मज़ा है ट्रैकिंग का ही तो पहाड़ों पर। और अब जब आप यहाँ से इस वाले ट्रैक पे जा रहे होंगे तो इतनी ज़्यादा शांति, इतना पीसफुल लगेगा आपको, और एकदम साफ़ सुथरा और बहुत कम लोग, भीड़ भाड़ से दूर, तो बहुत ही पीस ऑफ माइंड आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ आपको शायद ही हिमाचल में या बहुत जो क्राउडेड टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे मिलेगी, तो ये इसलिए भी और एक हिडन जेम है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं और नज़ारे बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर और बहुत ही शांत हैं। तो आप जब भी जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और ये थी वो ATV जिसकी मैं बात कर रहा था, जो 200 पर हेड लेती है, जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आपको इस ट्रेल पे पहुंचाती है। तो ये इसे आपको मुश्किल से 5 मिनट लगता है, जो हम लोग आधे घंटे में नीचे से ऊपर तक ट्रैक करके गए, ये 5 मिनट में पहुँचा देती है। तो ये भी आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इतनी सुंदर जगह है, और ये देखिए लोगों ने क्या फैला रखा है। भाई हम भी ये लेके आए हैं, हमने अभी खाया है, इसी में रख लिया है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे वापस गाड़ी में। तो ये आप कर सकते हो ना, कितनी दिक्कत है, ये दो छिलके आप अपनी जेब में रख लेते हैं, कुछ चला जाता है आपका। इतनी सुंदर साफ़ सुथरी जगह है, फिर जाओगे कहोगे नहीं, स्विट्ज़रलैंड अच्छा है, दुनिया भर के और कंट्रीज़ अच्छी हैं, खुद की कंट्री गंदी करते रहोगे। अभी सीधे चलो, गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे, अपने आप किनारे हो जाएगा। ज़्यादा सुंदर है, आपकी आँखें जहाँ घूमें वहाँ आपको गिर दिएगा। एक प्रॉपर रिज वॉक है। खैर मैं तो वीडियो बना रही हूँ, पर बहुत पॉज लेकर वीडियो बना रही हूँ। जितने देर ना बनाऊँ उतने देर आप इसको फील करें, यहाँ की ग्रीनरी को महसूस करें। और एक्चुअली आप
बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेचर वॉक बहुत ही पीसफुल होता है, माइंड रिलैक्सिंग होता है और नई गोल्स सेट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छी चीज़ है कि साफ है। हाँ, 200 रुपये पर चार्जेस लेते हैं, पर पर्सन एंट्री चार्जेस हैं, क्योंकि अभी प्राइवेट के पास चला गया है सितंबर 2023 से। तो देर आर चार्जेस टू विजिट माउंट एवरेस्ट रिज वॉक हिल टॉप। मुझे ऐसा लगता है हम ऑलमोस्ट टॉप पर आ गए हैं, बिकॉज मुझे एक कैफ़े दिख रहा है, बट कैफे इज़ नॉट द गोल, द गोल इज़ हिल टॉप, द ब्यूटिफुल टॉप व्यू जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बंदरों ने गिराया होगा बेटा, वहाँ भी यहाँ भी। ये एक और झरना, ये झरने जो भी सूखे पड़े हैं, सर्दी आएंगी बर्फ़ गिरेगी, उसके बाद जब वापस बर्फ़ पिघलेगी तो यहाँ पे झरना नज़र आएगा, जो अभी नहीं है। क्या लिखना है तो सी वाले पे बने खाने का, अगर खाओ तो और अभी हम जिस मैगी पॉइंट पे पहुँचे हैं, ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के थोड़ा सा ही नीचे है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसके लेफ़्ट से जो रास्ता जा रहा है वो ट्रैक डायरेक्ट जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक जाता है, जो कि शॉर्टकट है जो इन लोगों ने हमें बताया। और इसी के सामने पार्किंग एरिया भी है, एक और पार्किंग एरिया, जहाँ पे अगर आप नीचे गाड़ी से भी ऊपर तक आ गए हो तो यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, उसके ऊपर ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए जो वॉक होगी बेस कैंप से लेकर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी और एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। इट विल बी लाइक अ वॉक टू रिमेंबर बिटवीन द फॉरेस्ट, बिटवीन द नेचर। तो ये इस ट्रेल पे प्रॉपर व्यू पॉइंट बना हुआ है, ऐसे एक्स्ट्रा जगह से दिखेगी आपको। लेकिन हाँ, जब आप जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से ट्रैक करके जाते हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक, तब आपकी ट्रैकिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक बार हाफ एन आवर का ट्रैक और होता है जो आपको कंप्लीट करके जाते हैं पीक तक। सुंदर है यार, पूरा नजर आ रहा है। वही तो दोस्तों हुआ यूं कि ये जो ट्रैक था ये स्टार्टिंग में तो इजी लग रहा था, बट थोड़ा जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए तो थोड़ा रिस्की हो गया और पत्थर वहाँ पे फिसल रहे थे और इस तरह का रास्ता हो गया, तो हमने वहाँ पे वीडियो नहीं लिया। और क्योंकि काफ़ी पकड़ पकड़ के दीवारों को और पत्थरों को चलना पड़ा, तो बट अल्टीमेटली हम पहुंच गए ऊपर तक कैसे भी ढूंढते हुए। बीच में रास्ता भी ऐसा मिल नहीं रहा था कि किस तरफ जाना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं, हमें भी मिली, देखने को मिला, फेस किया हमने सब चीज़ें। बट अल्टीमेटली हम पहुंच ही गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक। सो
एंड सो वी हैव रीच्ड जॉर्ज एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ। ये वो फॉग ना होता ना भाई, यहाँ तो ड्रोन शॉट सही में बहुत सही लगता। आप कहाँ से आ रहे हो? पहले आप इधर आ जाओ। आप उधर पीक से आ रहे हो या पीक जा रहे हो? पीक तो वो है, वो जो चमक रहा है। मुझे लगा आप शायद लौट रहे हो। इसलिए आप दो तीन रास्ते होते हैं ना, मुझे लगा आप वहाँ से लौट रहे हो क्या? ऊपर ही जा रहे हो ना आप? ठीक है, तो उतरते उतरते हम आ पहुँचे हैं इस छोटे से ढाबे पे, जहाँ से नज़ारा और भी ख़तरनाक है और सुंदर भी है, काफ़ी सुंदर है, बहुत यूनिक नज़ारा है यहाँ पर। तो ये अंकल जिनका ये ढाबा है या जो इसे चला रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें कहानियाँ सुनाने बैठ गए थे कि यहाँ पे कितनी भीड़ आती थी जब तक कि प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, और अब क्योंकि टिकट इतनी ज़्यादा लगती है तो लोग आना पसंद नहीं करते यहाँ पर। तो यही सब कहानियाँ सुना रहे थे, तब तक मैंने वीडियो लेना शुरू कर दिया यहाँ के व्यू का। और ये बता रहे थे कि यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, इनके पास सारा कैंपिंग का सामान उपलब्ध है। तो आप भी अगर यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक से उतरते टाइम पे एक जगह है जहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इस जो ढाबा था इसके आगे जब हमने स्टार्ट किया ट्रैक, तो वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। पता नहीं इसको ओरिजिनल ट्रैक क्यों बोलते हैं, ये तो जिस ऑल्टरनेट रूट से हम आए थे वो ज़्यादा बेटर था इससे अच्छा। तो यहाँ तो रास्ता इतना पतला होता गया कि हमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, कैसे कैसे हम लोग उतरे हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। तो इसके आगे के हमारे पास वीडियोज़ हमारे बिल्कुल भी नहीं हैं, और क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट बेस जब हम जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जब हम वापस पहुँचे यहाँ से उतर के पीक से, तो हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे इन सब रिस्की ट्रैक से कि हम वहाँ पर बैठ के शांति से खाया हमने, और वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेना तो भूल ही गए क्योंकि वहाँ पर इतना रिलैक्सिंग था। हम बैठे ही रहे, एक घंटा डेढ़ घंटा हमने वहाँ पर बिताया, लेकिन हमने वीडियोज़ नहीं लिए, बिल्कुल भी याद नहीं रहा हमें। तो लेकिन वो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर, जब जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक आप पहुँचेंगे वापस तो बहुत सच में रिलैक्सिंग, बहुत सुंदर और साफ़ जगह है। और वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के अंदर म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर मैं और निधि तो नहीं गए थे, दीदी और बच्चे गए थे। तो हम लोग बाहर धूप में ही बैठे मज़े ले रहे थे मैगी के साथ। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था जॉर्ज एवरेस्ट का, बहुत ज़्यादा यूनिक था, बहुत खूबसूरत था, और ट्रैकिंग करके तो इतने साल बाद बहुत ही मज़ा आ गया। तो हम आ गए हैं सी ग्रीन कैफे, माउंट एवरेस्ट बेस गए थे हम, जॉर्ज एवरेस्ट बेस गए थे, उसके पीक भी गए थे। उसके बाद वापस आते टाइम जब टूवर्ड्स मसूरी जा रहे थे, तो ये सी ग्रीन कैफे में तुरंत ही पड़ गया, दो मिनट के अंदर ही। बस अब वहीं जा रहे हैं, फटाफट से जाना है हमें, कुछ खाना है, वापस मसूरी पहुंचना है, क्योंकि 4:30 के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती और हमारा होटल वहीं पे है। बिल्कुल मिलते हैं। मैं वैसे ऑपोजिट वाला कैमरा चलाती हूँ ताकि आप देख लें कि इसका व्यू भी बहुत सुंदर है और इसकी एंट्रेंस भी बड़ी प्यारी है। तो अगर आप भी मसूरी आ रहे हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट बेस, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ये आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, आपकी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। और अब हम सी ग्रीन कैफ़े का नेक्स्ट ब्लॉग बना के आप लेने वाले हैं, और आगे की कहानी उस ब्लॉग में दिखेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।